सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। यशो साहब के कहने पर आप लोग यहाँ पे आए। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम नंद किशोर यादव है और राज्य खाद्य आयोग उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। यह हमारे राज्य खाद्य आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल साहब, जिला पूर्ति अधिकारी से तो आप जनपद के हैं। नहीं, हम नहीं बताते। नहीं, आप बता रहे हैं, हम अभी हम जानते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी साहब हैं या हमारे, क्या नाम है साहब? अनूप तिवारी, आरएमओ साहब हैं हमारे। तो जो फोन ही नहीं उठा तो आप लोगों को यहाँ बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है, राज्य खाद्य का आयोग का मैं अध्यक्ष हूँ और मेरी जिम्मेदारी भी है कि आपको कुछ बातें बताऊं कि 2013 5 जुलाई 2013 भारत की संसद से एक कानून पारित हुआ है जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहते हैं, NFSA एक्ट। NFSA एक्ट में यह प्रावीजन किया गया कि हर उस व्यक्ति को राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वह हर उस व्यक्ति को जिसके पास भोजन की व्यवस्था ना हो पावे, 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो गेहूँ वह लाभार्थी को देने का काम करता है। 1 रुपया किलो मोटा अनाज भी दिया जाता है, लेकिन वह व्यवस्था जो है हमारे प्रदेश में नहीं। आयोग का मुख्य काम, जो योजना इतनी बड़ी चल रही है भारत सरकार और राज्य सरकार की, इतनी बड़ी सामाजिक योजना कोई दूसरी नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत करीब 79% लोग गांव के कवर किए जाते हैं और नगरीय क्षेत्र में इसका जो कवरेज है वह 64% है। दोनों का अगर एवरेज तुलना किया जाए तो करीब 71-72% पॉपुलेशन जो है इस योजना के अंतर्गत कवर। हमारा जो मुख्य काम है आयोग का और उसमें हमारे अधिकारी लगे हुए भी है कि पात्र आदमी को हर हाल में खाद्यान्न मिले। अगर पात्र आदमी को खाद्यान्न नहीं मिलेगा और वह हमारे यहाँ कंप्लेंट करेगा, दरखास्त देगा, तो हमारे यहाँ फोरम बने हुए, चैनल बने हुए हैं, वह BSO स्तर पर, SDM स्तर पर, और नहीं तो एक्ट के अंदर यह प्रोविजन है कि हर जनपद में सीनियर ADM जो है जिला शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी के यहाँ वह अपनी दरखास्त दे और उसके निर्णय के बाद 90 दिनों के बाद आयोग में वह अपील कर सकता है। हमारे जो निचले अधिकारी हैं अगर खाद्यान्न न मिले तो उनको खाद्यान्न दिलाने का काम करेंगे और अगर खाद्यान्न नहीं दिला पाएंगे तो उनको खाद्य भत्ता दिलाने का भी प्राविजन एक्ट के अंदर है, उनको अब खाद्य भत्ता देने का काम करेंगे। इस योजना में और पारदर्शिता आवे इसके लिए अधिकारियों ने दिन रात प्रयास करके काम करके आधार से लिंक कराने का काम किया है। इसके अलावा आने वाले, मैं समझता हूँ, अक्टूबर के आखिर तक या नवंबर तक, चाहे हमारा नगर क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह जो राशन की दुकानें हैं हम ई पास मशीन से उसका वितरण कराने का काम करेंगे। तो जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच जाएंगे ई पास मशीन के माध्यम से, तो निश्चित रूप से जो आज शिकायतें आती हैं अनियमितता
के संबंध में कि हमको कम मिल रहा है या हमसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसमें सुधार दिखाई देगा। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।